प्रभारी मंत्री से शिकायत करने के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में बीते कई दिनों से पुलिस विभाग एवं वन विभाग को मिली भगत से हर रोज 5 से 6 ट्रकों से खदानों एवं जंगलों से अवैध रूप से कोल माफिया द्वारा कोयले की चोरी की जा रही थी, जिसे दूसरे राज्यों में खा पाया जा रहा था। लगभग रोजाना 10 से 20 लाख की चोरी यहां होती थी। मलेंद्रगढ़ के कुछ रसूखदार एवं कोल माफियाओं की सक्रियता चिरमिरी क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही थी। बताया जा रहा है कि चिरमिरी क्षेत्र कुछ रसूखदार जनप्रतिनिधि एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर कोयला चोरी को अंजाम दिया जाता है। जहां प्रभारी मंत्री के दौरे के दौरान चिरमिरी क्षेत्र की जनता ने प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल से शिकायत करने के बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने कोल माफियाओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आज देर रात 28 टन कोयले से भरी एक ट्रक, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे वन विभाग ने जब्त कर लिया। इसके साथ ही लगभग 240 बोरा कोयला भी वन विभाग के कर्मचारियों ने जब्त किया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि कोल माफियाओं की अवैध चोरी की जब भी शिकायत की जाती है तो पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोल माफियाओं को इसकी सूचना दे दी जाती है, जिसके बाद कोल माफियाओं के गुर्गे इन ग्रामीणों के साथ मारपिटाई भी करते हैं, साथ ही डराते और धमकाते भी हैं। कितने का माल होगा भैया? ये अब ये कोयला लाइट बंद कर देना, ये तो बढ़िया लाइट आ रहा है। इतना ज़्यादा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं तो 240 रुपये गिना थे सरसरी निगाह से, लेकिन मान लो कितने का, तीन तीन का ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 60 हो गया। अरे मैं बोल रहा हूँ 300 से ज्यादा माल नहीं है यार। आप इस बात में आज मेरा शिवरात्रि का दिन था, पूजा का, अब मैं घर में बच्चों लोग साथ पूजा कर रहा था, कोई बात हो जाता। सही बात है। देखिए, चोरी का ऐसा है कि कोई भी जगह अगर कहीं चोरी हो रही है, ऑथेंटिक अगर आप ये जानकारी देते कि इस खदान से ये ट्रक चोरी कर रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरा नंबर लगा सकते हैं, मैं उस पर कार्रवाई करा।